हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान का आगाज हो गया है। इस दौरान प्रदेश भर में टीकाकरण हेतु सभी युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इसी के चलते शिमला शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सभी टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मदद की। परिषद कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही इस मदद के लिए सीएमओ शिमला सुरेखा चोपड़ा ने उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद प्रदेश के समस्त जनमानस को टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम इस महामारी को परास्त कर सकते हैं। वहीं सीएमओ शिमला सुरेखा चोपड़ा ने कहा कि जिला के 28 केंद्रों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। प्रत्येक सेंटर में प्रतिदिन 100 लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों और बीवीपी कार्यकर्ताओं का इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिए जा रहे सहयोग के लिए उनका आभार जताया है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला, 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हिमाचल प्रदेश के अंदर आज 18 से 44 वर्ष की वैक्सीनेशन शुरू हुई है और इस टीकाकरण के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे युवाओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। इस दौरान विद्यार्थी परिषद ने अपने वॉलंटियरली कार्यकर्ताओं को प्रशासन के सहयोग के लिए सेवा कार्य करने के लिए उतारा है। आपने देखा कि कुछ समय पहले हमने प्रशासन को अपने वॉलंटियर कार्यकर्ताओं की सूची भी सौंपी थी और उसी के निहित हमारे कार्यकर्ता आज प्रशासन के साथ मिलकर इसी तरह के विभिन्न कार्य कर रहे हैं। आज शिमला के अंदर चाहे रिज मैदान की बात की जाए, चाहे टूटू की या अन्य क्षेत्र जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ इसी तरह हमारे कार्यकर्ता प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, जिसमें चाहे रजिस्ट्रेशन करने का विषय हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का विषय हो, किसी को मोबाइल के ऊपर अपना OTP या कुछ तकनीकी खराबी वहां आए तो उनको गाइड करने का विषय हो, ऐसे तमाम प्रकार का सहयोग विद्यार्थी परिषद ऐसे समय में प्रशासन का कर रही है। और हम आपके माध्यम से जनता से यह अपील करना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन अवश्य लगाएं। कोई भी भ्रम वैक्सीनेशन को जो फैलाए जा रहे हैं वो सारे तथ्यहीन है। आप वैक्सीनेशन अवश्य लगाइए और वैक्सीनेशन से पूर्व रक्तदान भी अवश्य कीजिए, ऐसी अपील भी विद्यार्थी परिषद जनता से करती है। आज हमने जो 18 से 44 वर्ष का हमने वैक्सीनेशन का आज लॉन्च किया, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज लॉन्च हुआ इसका हमारा, और इसके तहत हम सिर्फ जो 18 से 44 आयु वर्ग में आते हैं उन्हीं लोगों को हम कवर करेंगे जो पहले से रजिस्टर्ड हैं और जो अपना सेशन एलोकेट करके आए हैं। तो आज हमने 28 जगह सेशंस रखे हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में, तो हर सेशन साइट पे केवल 100 ही लोग वैक्सीनेट होंगे और ये 100 लोग वो होंगे जिन्होंने पहले तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन टाइम से किया है। 28 अप्रैल से जैसे आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी हो गया था और उसके बाद उनको अपना सेशन एलोकेट करना है। तो जैसे आज का सेशन है तो उसके लिए सेशन एलोकेशन 2 दिन पहले शुरू हुआ था, तो शनिवार को पोर्टल खुल गया था, जो भी अपना सेशन एलोकेट करना चाहता तो वो जो भी साइट्स थे जो उनको ठीक उनके लिए नज़दीकी साइट्स थे उस पर वो जाके अपने सेशंस एलोकेट कर सकते थे। तो अब जैसे थर्सडे को है अगला सेशन, तो 20 तारीख के सेशन के लिए सेशन एलोकेशन शुरू होगा मंगलवार को, तो मंगलवार को जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं वो जाकर पोर्टल में अपना सेशन एलोकेट कर सकते हैं। समझ सकते हैं इस वक्त हम पूरे एक वर्ष हो गया और हमारे जो हेल्थ केयर हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी किसी भी श्रेणी के जितने भी हमारे कर्मचारी अधिकारी सब लोग एकजुट होकर लगे हैं और हमारा इस जो अब का जो सेशन है, जो ये जो चरण है जो सर्च का, इसमें एक अलग बात है पहले की सर्च से कि अभी हमारा एक एडेड वर्क हो गया वो है वैक्सीनेशन का। और हमारा ये हम प्रयासरत हैं कि जो लोग जहाँ पे हैं वहीं पे उनकी वैक्सीनेशन की जाए, चाहे वो गांव देहात में है, और हमने किया भी है जो 45 वर्ष के आयु वर्ग से अधिक थे। लेकिन हमारे को इसमें हमें अपेक्षा है कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग भी इसमें हमारा सहयोग दें। जैसे कि हम अब देख सकते हैं जो भी सेशन साइट होता है उसमें केवल 2 ही लोग हैं जो टेक्निकली रिक्वायर्ड हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से, एक जो वैक्सीन देने वाला है और जो लगाने वाले जो हैं और जो दूसरे हैं जो सुपरवाइज करेंगे जो डॉक्टर हैं। लेकिन बाकी जो 3-4 लोग और लगते हैं, चाहे वो क्राउड को मैनेज करने के लिए हैं, चाहे लोगों को अवेयरनेस करने के लिए हैं, या ओवरऑल मॉनिटरिंग और थोड़ा सा हेल्प करने के लिए, तो वो किसी भी डिपार्टमेंट के आगे आ सकते हैं। तो इस टाइप का सहयोग ज़्यादातर नहीं मिल रहा, केवल जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये MC के सौजन्य से हमने ये सेशन सेट किया है, तो यहाँ पे MC के लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। जैसे डाटा